लगातार तार होने का तमाशा दिख रहा है। जी हाँ, सिंगरौली जिला शिक्षा अधिकारी ब्रजेश मिश्रा इन दिनों शिक्षा विभाग की मर्यादा को संसार करने में टूटे हुए हैं। सोशल मीडिया में चल रहे इन दिनों एक आईडियो की बात करें तो सरकार के सारे दावों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी फोन पर एक युवक से डीओ की वार्तालाप हो रही है, जिसमें डीओ उत्तेजित होकर बीआरसी देवसर को ऐसी गालियां देते हैं कि जिसे सुनकर सिर शर्म से झुक जाएगा। इस आईडियो में बीआरसी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। वायरल इस आईडियो ने सरकार के तमाम दावों और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी है। आईडियो वायरल जब बीआरसी के द्विवेदी तक पहुंचा, तब बीआरसी ने अपनी आप बीती बताते हुए गालीबाज डीओ के करतूतों से नाराजगी जताई है। देखकर लग रहा है कि अब बीआरसी साहब की आंखों से आंसू गिर जाएंगे। फिलहाल डीओ के इस आईडियो पर सभी अधिकारी कर्मचारियों ने नाराजगी जाहिर की है। समुचित शिक्षा विभाग के महकमों में भी आक्रोश झलक रहा है। बीआरसी द्विवेदी ने कलेक्टर को निम्नलिखित पत्र देकर जांच कर कार्रवाई की मांग की है। अनिल दुबे की रिपोर्ट। जैसा कि कल सर सोशल मीडिया के माध्यम से एक आईडियो वायरल हुआ है कि डीओ सर आपको गाली गलौज कर रहे हैं, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? इसके लिए मैं क्या करूं क्या ना करूं, और इसके लिए हम आचार्य साहब से आवेदन देंगे, निवेदन करेंगे कि ऐसे इस पोस्ट पर ऐसे अधिकारी के नियंत्रण में हम लोगों को काम करने में बहुत कठिनाई उत्पन्न हो रही है। हर बार हर समय पर उनका डांटना फटकारना, और जिसके लिए हम लोग एक सम्मान के लिए अपने पेट के लिए आदमी नौकरी करता है, लेकिन उन्होंने इस भाषा का प्रयोग करने के बाद जिसमें हमारी माँ का कोई दोष नहीं है, और हर व्यक्ति जो इस धरती पर आया है अपनी माँ के कोख से पैदा हुआ होगा है, और इनके इस भाषा के बाद उन्होंने पूरी महिलाओं का असम्मान किया है, और शिक्षा विभाग का भी असम्मान किया है, और पूरा विभाग कलंकित है, और हमारा पूरा शिक्षा विभाग और कर्मचारी स्तब्ध हैं कि हम आखिर हम लोग करें तो करें क्या। और अभी इनका पिछले 3-4 महीने पहले इनका ट्रांसफर भी हुआ था, अब ये पूरी तरह से कोर्ट में स्टे लेकर के आए हुए हैं, और इस आधार पर चल रहे हैं कि अब उनका कुछ होना नहीं है। मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगा कि ऐसे अधिकारी को या तो तत्काल यहां से हटाया जाए, या तो हम लोगों की पद से हटा दिया जाए, फिर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय अपना काम करें, और या तो फिर हम लोगों का सम्मान सुरक्षा की रक्षा करें। अभी इसके पूर्व भी इनके द्वारा 2-4 बार धमकी दी जा चुकी है, कई भी हमारे कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। इनका केवल एक ही अस्तर रह गया है, जो मैं आपके इस माध्यम से मैं नहीं कह सकता हूँ, वो मैं केवल कलेक्टर महोदय से निवेदन करूँगा, और मेरा निवेदन है आप लोगों के माध्यम से भी कि मतलब ऐसे अधिकारी के नियंत्रण में हम लोग काम करने के लिए बहुत हो रही है, और हमारे जान माल का भी खतरा है। इस संबंध में सर कलेक्टर महोदय क्या कार्रवाई करेंगे, और क्या आप ज्ञापन महिला आयोग को भी देंगे? कलेक्टर महोदय हमारे जिले के प्रदेश के सबसे बेहतरीन कलेक्टरों में से हमें उम्मीद करूँ, उन्होंने जो गाली दिया है कार्रवाई करेंगे।